गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 4, मैंने आपको स्टार्ट की है इसमें, जिसका नाम है केमिकल डायनेमिक्स। सो केमिकल डायनेमिक्स आपने कुछ कुछ 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। केमिकल काइनेटिक्स उसके सिमिलर है, उसकी बेसिक टर्म्स यहाँ पर आपको यूज़ होगी और उसके आगे तक का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। सो केमिकल डायनेमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट उसका, उसके बाद रेट किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमने किया। अब आपको स्पेसिफिक कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना रहेगा। और क्योंकि रेट जो हम निकालते हैं, देखिए, तो रेट को डिटरमाइन या तो ऑर्डर रेट लॉ की डिफरेंशियल इक्वेशन से किया जाता है या फिर इंटीग्रेटेड इक्वेशन से किया जाता है। हम यहाँ पर जब केमिकल डायनेमिक्स की बात करते हैं तो जो भी ऑर्डर की हमारी रिएक्शन होती है उसके लिए हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं और उस इंटीग्रेटेड इक्वेशन की हेल्प से हम इजीली रेट को डिटरमाइन कर पाते हैं। तो हमें यहाँ पर हम अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए उनकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन किस तरह से कैलकुलेट की जाती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारा जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला जो हमारा ऑर्डर है ज़ीरो ऑर्डर, ठीक है, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट हम 12th में वैसे पढ़ चुके हैं। तो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया था, ऐसी रिएक्शन जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, ऐसी रिएक्शन को ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला जाएगा। जैसे इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे कंसिडर करिए कि N2O है और N2O को हम डिकम्पोज कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर इसका डिकम्पोजिशन प्लेटिनम की प्रेजेंस ना हो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लेटिनम होगा तभी ये रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल होगी। तो वैसे तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, लेकिन वो सारी रिएक्शन जो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं वो बिल्कुल भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होगी, अगर मैं डिफाइन करूँ तो द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी वो किसी भी कंडीशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर जब डिपेंड नहीं करेगी, सो उस केस में उस रिएक्शन के ऑर्डर को हम ज़ीरो ऑर्डर कहते हैं। जैसे N2O को मैं अगर डिकम्पोज करूँगी तो वो प्लेटिनम की प्रेजेंस में ही डिकम्पोज होगा, जिससे एक तो मुझे N2 मिल जाएगा और एक मुझे O2 मिल जाएगा, ठीक है। एक क्या मिल जाएगा, एक तो मिल गया N2 और एक मिल जाएगा O2, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जब प्लेटिनम की प्रेजेंस में होगी तो एक N2 हो गया और एक O2 हो गया है। ये आपका इंटीग्रेटेड इक्वेशन। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी रेट निकालने के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन केवल ज़ीरो ऑर्डर पर ही फॉलो होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर मैं रेट की बात करूँ तो नॉर्मली क्या बोलते हैं हम कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन की पावर जो होती है वही हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है। कंसंट्रेशन की पावर n मैंने मानी, n यहाँ पर मेरा क्या होगा, n मेरा ऑर्डर होगा, ठीक है। अब ये माना मैंने कि कोई एक रिएक्शन है, आप कंसिडर करिए कि ए कोई रिएक्टेंट है और ये जो रिएक्टेंट है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह पे लिखूँगी किसको, ए को,
रिएक्टेंट क्या है? ए है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर ज़ीरो हो जाएगा, है ना। इसके ऊपर ऑर्डर हमें क्या रखना है? ज़ीरो रखना है, क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर आपकी रिएक्शन रहेगी। यहाँ पर एन की जो वैल्यू है ज़ीरो, है ना, फॉर ज़ीरो ऑर्डर n इज इक्वल्स टू ज़ीरो। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू हो गई है ज़ीरो। आगे बढ़ते हैं, देखें उसके बाद में हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू k a और ऑर्डर ज़ीरो, ठीक है। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन दे दी इसको हमने? इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब वी नो दैट एक चीज़ हम जानते हैं कि जो हमारी रेट होती है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, रेट की एक और डेफिनेशन क्या होती है? रेट इज़ डिफाइन कैसे करेंगे? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम ऑफ इंटरवल इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन किसका कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट का। तो बताया था कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। सो कंसंट्रेशन के लिए हम यहाँ पर माइनस साइन का यूज़ करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन कम होगा। रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं रेट, इसलिए माइनस साइन। चेंज के लिए हम यहाँ पर डी लगा देंगे। चेंज के लिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? चेंज के लिए हम यहाँ पर डी लगा देंगे। चेंज के लिए यहाँ पर लग जाएगा डी, है ना। ए एज इट इज़ रहेगा और ए का ऑर्डर कितना हो जाएगा? ए का ऑर्डर यहाँ नहीं लेना है, सॉरी। तो माइनस डी ऑफ ए, ठीक है, अपॉन में टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी टी। ये रेट का हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया। तो रेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डी ऑफ ए अपॉन में डी टी। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन में हम रेट की इस वैल्यू को पुट कर देंगे। देखें तो हमने पुट किया, तो रेट की जगह पे क्या आ जाएगा? रेट की जगह पे आ जाएगा माइनस का डी ऑफ ए अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू के, और ऑर्डर आपका यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। अब जब ऑर्डर ज़ीरो हो, ए के ऊपर ऑर्डर कितना है? ए के ऊपर ऑर्डर है ज़ीरो। जब ऑर्डर कितना हो? जब ऑर्डर ज़ीरो हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू वन हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेट डिपेंड ही नहीं करती है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर। तो यहाँ पर ए के ऊपर जो ऑर्डर ज़ीरो है इसकी वैल्यू हम क्या मान लेंगे? इसकी वैल्यू हम वन मान लेंगे, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू हमने वन मानी, हाँ, तो क्या होगा? हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो थी, माइनस टी ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के। तो ये आ गई के की वैल्यू, है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये के की वैल्यू आ गई। अगर मैं के को सिंगल कर लेती हूँ, ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी। और अगर हम ये जो डी टी हमारा डिवीजन में है इसको के उस तरफ भेज दें तो ये हो जाएगा के डी टी, ठीक है। तो माइनस डी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस डी ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो गया है के डी टी, ठीक है। बना रहे हैं हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन। सो डेफिनेटली यहाँ पर मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे जिसको कह रहे हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड पे हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। दोनों साइड पर हम इंटीग्रेशन करेंगे। देखें,
इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट यूनिट जब मैंने आपको पढ़ाई थी इसी में फिजिकल केमिस्ट्री की, उसमें हमने इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स पढ़े थे कि एक तो माइनस साइन का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, दूसरा जो कांस्टेंट टर्म आपकी रहती है उसका कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता। तो इंटीग्रेशन के साइन के आगे आपको उन्हें रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है तो माइनस का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता। सो माइनस साइन को हम क्या कर देंगे, माइनस साइन को हम बाहर लिख देंगे और ये हो जाएगा मेरा डी ऑफ ए, ठीक है, ये हो गया डी ऑफ ए। माइनस साइन मैंने कहाँ ले लिया है, बाहर ले लिया है, यहाँ से मैं के को क्या कर दूँगी, बाहर कर दूँगी, यहाँ से माइनस साइन बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ ए, यहाँ से मैंने के को बाहर ले लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, है ना। सो डी ऑफ ए का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा यहाँ पर ए, डी ऑफ ए का जो भी इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर हो जाएगा ए, ठीक है। और डी टी जो होगा मेरा वो हो जाएगा के टी प्लस सी, ठीक है। तो डी ऑफ ए का इंटीग्रेशन हो गया है ए, डी टी हो जाएगा टी, तो ये हो जाएगा के टी प्लस सी, ठीक है, के टी प्लस सी। सो माइनस ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा के टी प्लस में सी, ठीक है। बोले मैम डी ऑफ ए किसका, ए कैसे आया, तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स होता है एक्स, ये फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के, डी ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए, ठीक है। डी ऐसे ही डी टी का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा टी। तो जब इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो हम एक कॉन्स्टेंट लेते हैं सी, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गई मेरी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब देखिएगा, आप यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे, इसको दी मैंने इक्वेशन नंबर टू। कंसीडर करिए कि ये तो टी टाइम पर है, लेकिन माने कि हम टाइम ज़ीरो ले रहे हैं। टाइम ज़ीरो का मतलब क्या होगा, टाइम ज़ीरो का मतलब होगा जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो टाइम कितना है, टाइम है ज़ीरो, है ना। तो हम यहाँ पे टाइम ज़ीरो की बात कर रहे हैं कि जब टाइम कितना होगा, टाइम ज़ीरो रहेगा। तो जब टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो रहेगा, टाइम ज़ीरो रहेगा, तो उस केस में कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ टाइम के बाद यहाँ पर कंसंट्रेशन हम ए ले रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो कंसंट्रेशन है वो ए है। जैसे मान लीजिए कि आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो टाइम ज़ीरो था, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई तो मान लीजिए यहाँ पे पहुँची तो टाइम हो गया टी, है ना। तो कंसंट्रेशन यहाँ का है, फाइनल कंसंट्रेशन ए है। फाइनल कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, ए है, है ना, जो कितने टाइम पर है, टी टाइम पर है, जो हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में लिखा है। लेकिन वहीं अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब कि टाइम आपका कितना हो गया, टाइम आपका ज़ीरो हो गया है। सो इनिशियल टाइमिंग है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, सो कंसंट्रेशन भी इनिशियल होगा। तो ए नॉट, है ना, इसको बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे नॉट। तो मैंने क्या माना कि जो मेरा ए नॉट है वो मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन है और ए जो है वो मेरा फाइनल कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर मैं दो कंसंट्रेशन को मान रही हूँ, ए नॉट को मैं इनिशियल कंसंट्रेशन कहूँगी और ए को मैं क्या बोलूँगी, ए को मैं फाइनल कंसंट्रेशन बोल रही हूँ। तो टाइम ज़ीरो पर कंसंट्रेशन ए से कितना हो जाएगा, ए से वो ए नॉट हो जाएगा, ठीक है। ए से कितना हो गया, ए से हो गया वो ए नॉट। तो एक ही जगह पे हम रख देंगे ए नॉट, ठीक है। पुट इन इक्वेशन टू, पुट इन इक्वेशन टू, तो ए जहाँ पर था उसकी जगह पे मैंने ए नॉट रखा, टी की जगह पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो प्लस सी। सो सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए नॉट।
सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई माइनस ए नॉट। अब इस वैल्यू को अगेन हम इक्वेशन नंबर टू में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सो पुट इन इक्वेशन टू, ठीक है। सो इक्वेशन टू में वापस से हमने पुट किया तो माइनस ए है, एज इट इज रहेगा माइनस ए, ठीक है। सी की वैल्यू माइनस ए नॉट हो जाएगी। अब ये माइनस का ए नॉट है इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का ए नॉट है इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का ए नॉट जब इधर आया तो इधर आगे किसका हो गया, प्लस का हो गया। माइनस का ए एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू में कितना के टी। तो ए नॉट माइनस का ए, ए नॉट माइनस का ए इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में हो जाएगा के टी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए नॉट माइनस ए एज इट इज रहने देंगे, के यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टी। तो ए नॉट माइनस ए अपॉन के इज इक्वल्स टू में टी, ठीक है। अब ये हमारी आई इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो जब भी हमको क्या पता करना होता है, जब हमको इनिशियल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना हो, फाइनल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना हो, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो, या रिएक्शन जो हो रही है वो कितने टाइमिंग पे हो रही है, ये सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर इस इंटीग्रेटेड इक्वेशन का यूज़ करते हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, देखिए कि यहाँ पर ए नॉट की अगर हम बात करें तो ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। एक ही अगर मैं बात करूँ तो ये है फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और के की अगर मैं बात करूँ तो के क्या है, के हो जाएगा रेट कांस्टेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट। तो ए नॉट हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और के की अगर मैं बात करूं तो के मेरा हो जाएगा रेट कांस्टेंट। ये तीन आपकी वैल्यूज़ रहेंगी, एक ए नॉट रहेगा, एक ए रहेगा, और एक आपका क्या रहेगा, एक आपका के रहेगा। तो तीन वैल्यूज़ रहेंगी, ए नॉट की, ए की और के की। ए नॉट हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, ए हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन, और के हो जाएगा आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारी तीनों वैल्यूज़ रहती है। अब अगर हमें रेट निकालना है तो रेट तो सिंपली आपके दो रेट लॉ के फॉर्मूले से निकल जाएगी, लेकिन रेट के अलावा अगर रिएक्शन के बाकी के को फैक्टर्स की हम बात करते हैं तो उसमें हम यहाँ पर इस इंटीग्रेटेड इक्वेशन का यूज़ करते हैं। और ये इक्वेशन हम केवल ज़ीरो ऑर्डर में ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर टाइमिंग का रेशो पूछा जाए तो ए नॉट जो रहेगा वो ज़ीरो टाइम पर, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, ज़ीरो टाइम पर किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रहेगा ए नॉट, ठीक है। और जब कोई रिएक्शन आगे बढ़ गई, टाइम टी हो गया मान लीजिए, फाइनल हो गया, तो फाइनल जो टाइमिंग रहेगा वो टी रहेगा, उस पर जो भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है उसको हम ए रखते हैं। तो ये रिलेशन हमको यूज़ करना है। इसके इसमें आप ज़रूरी नहीं कि टी की ही वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आप चाहें तो के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बस सिंपली आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, ए नॉट माइनस ए अपॉन में टी इज इक्वल्स टू के, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरी इंटीग्रेटेड इक्वेशन हुई। इसमें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम रेट को जब भी हम लिखेंगे, जैसे रेट एक्सप्रेशन भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये वाली मैंने इक्वेशन आपकी लिखी, अब इस इक्वेशन के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे रेट एक्सप्रेस करनी है। तो आप हमेशा जब रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी कि आप एन टू ओ को लिखेंगे कंसंट्रेशन की जगह पर, तो इसका जो आपका ऑर्डर रहेगा वो हमेशा क्या आएगा, हमेशा वो ऑर्डर ज़ीरो ही आएगा। रीज़न इज़ दैट कि वो
प्लेटिनम के प्रेजेंस में हो रहा है। कुछ बच्चे गड़बड़ ये करते हैं कि यहाँ पर जैसे 2N2O है तो यहाँ N की जगह पे वो 2 रख देंगे, क्योंकि रेट लॉ ये कहता है जो भी कोएफिशिएंट होते हैं वो आगे चल के पावर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि ये रिएक्शन प्रेजेंस में हो रही है, प्रेजेंस में होने की वजह से इस पर आपको हमेशा क्या लेना है, 0 ही लेना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको रेट डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन, जिसमें हमने फर्स्ट जो पढ़ा वो था 0 ऑर्डर रिएक्शन आज करवाया। इसके बाद वाले जो भी वीडियोस हैं, वो जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो से कवर अप करेंगे। 0 ऑर्डर के बाद में जो आपका अगला आएगा वो आएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर और उसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन। एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये टॉपिक आपको। ठीक है, तो ये हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4, केमिकल डायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब आप लोगों को इसके बाद में मैं ऑर्डर्स के बाद में इसमें आपका जो क्लासिकल थ्योरी है रिएक्शन की वो एक टॉपिक रहेगा, अरहीनियस इक्वेशन आपका एक टॉपिक रहेगा जो हम उधर 12th स्टैंडर्ड में अरहीनियस वैसे हम पढ़ चुके थे थोड़ा सा। यहाँ पे आपको एक स्टेप फॉरवर्ड बस चीज़ें रहेंगी, बाकी बेस आपका वही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। और हमारे चैनल पर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक और चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब आपको हमारी वीडियोस पर्सनल ट्यूटर और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर मिलेंगी। ठीक है, तो आपको ये करना है, पर्सनल ट्यूटर 2 को जाके सब्सक्राइब करना है, उसको लाइक करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच।